फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरसों की खरीद सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर की जा रही है और मंडी में आने वाले किसान एमएसपी पर खरीद को लेकर खूब खुश दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि 3-4 दिन में उन्हें उनकी फसल की कीमत मिल रही है और वो बहुत खुश हैं। वहीं मंडी में किसानों की तमाम सुविधाओं का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। ये है जी, जो हम वैसे की देंगे तो मनमौजी लेते हैं, ठीक है जी। अब जब सरकार लेती है तो हमारा पूरा पैसा आ जाता है। अच्छा, बनियों के जाके गिरेंगे, आड़ पे गिरेंगे तो जो मनमाए को देख लेंगे, हमें मजबूरी में देनी पड़े, क्या करें। प्राइवेट, जैसे प्राइवेट, हाँ प्राइवेट देंगे तो हमें हमारी मजबूरी है। और मेरी 30 क्विंटल के करीब सरसों है और वे जो सरकार खरीद कर रही है 5,650 पे एमएसपी पे, वो मैं बेचने आया हूँ, तो हम सरकार की पॉलिसी से बहुत खुश है। जैसे प्राइवेट बेचते हो, प्राइवेट से हमसे कुछ लाभ नहीं होता, उसमें तो 4500-4600 रुपये मनमौजी से वो लेते हैं, उसका कोई हमें फायदा नहीं है। हाँ, इसकी जो सरकार की पॉलिसी है एमएसपी का, हम इससे बहुत खुश है। वो और हम आज बल्लभगढ़ मंडी में आया तो हमारी सरसों का अच्छा मिल रहा है। वही अनाज मंडी के सचिव ने बताया कि अब तक बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरसों की खरीद 3,000 क्विंटल हो चुकी है और इसके साथ साथ अब 1 अप्रैल से सरकार के आदेशों के अनुसार गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं और मंडी में किसानों के लिए पीने के पानी के लिए वाटर कूलर और बैठने की उचित व्यवस्था के प्रबंध भी पुख्ता कर लिए गए हैं। सरसों की लगभग 3,000 क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है हमारी और किसान डेली आ रहे हैं और अपने गिट पास जारी करवाकर अपनी सरकार में सरसों बेच भी रहे हैं। जैसे कि 1 तारीख से हमारी सरकारी गेहूँ की खरीद शुरुआत हो जाएगी, उसके लिए जो भी हमारी तमाम तैयारियाँ होती हैं, बेसिक एमिनिटीज जो बोलते हैं, वो हमारी पूरी की पूरी सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे कि हमने वाटर कूलर्स, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर्स लगवा रखे हैं मंडी में। इसके अलावा हमने सुलभ शौचालय की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी अगर किसान को कोई भी अपनी फसल के लिए कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए किसान सहायता केंद्र भी हमने गेट पे बना रखा है। आपको बता दें कि सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अनाज मंडी में सरसों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है, जिससे किसान भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वही मंडी सेक्रेटरी ने बताया कि 1 अप्रैल से गेहूं की भी सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर अनाज मंडी में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।